एवरीवन गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं जल्दी से उठ के अक्षित के लिए लंच रेडी कर देती हूँ। गोभी के पराठे बना रही हूँ। वैसे तो वो आलू के बोल रहा था, बट मैंने सोचा चलो गोभी के बना देती हूँ आज। तो मैंने आटा भी लगा लिया है और यहाँ पे गोभी को कस के उसका भी मसाला तैयार कर लिया है। तो बस हम इसको जल्दी से भर के बना देते हैं यहाँ पे पराठे, क्योंकि अक्षित को आज थोड़ा जल्दी जाना है। उसका है क्रिसमस का फंक्शन है, तो बस उसको रेडी करके आज मुझे जल्दी स्कूल भेजना है। तो बस हमारा पराठा ये बन गया है और बस दो ही पराठे बनाऊँगी, ज़्यादा पराठे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसको फिर मुझे नहलाना धुलाना ब्रश कराना और उसको फिर रेडी करके भेजना है मुझको। तो चलिए बस हम लंच रेडी कर लेते हैं और जल्दी से उसके लिए पैक कर लेते हैं और फिर अक्षित को उठाते हैं और उसको फंक्शन के लिए रेडी करते हैं। और ड्रेस वगैरह मैंने सब निकाल के रख दिया है, जब तक मैं पराठा रेडी कर देती हूँ। आने का भी सो रहा है, तो चलिए बस हम लोग पराठा बनाते हैं और आगे की वीडियो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और लंच मैंने रेडी कर दिया है, अभी मैंने बना दिया है गोभी के पराठे अक्षित के लिए लंच में। और आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि इसे जाना है आज जल्दी, और 8 बजे से पहले ही जाना है क्योंकि आज है क्रिसमस पार्टी। तो इसका इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, अक्षित का भी है, तो बस इसको रेडी करके भेजना है। तो अक्षित को मैंने उठा दिया, ब्रश करा दिया है और दूध भी पिला दिया है। तो बस अभी मैं उसको रेडी करूँगी। अक्षित बैठ गया दूध पी के। ये रहा अक्षित। अब बस इसको रेडी करते हैं। बस कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, ये रहे कपड़े। सेंटा की कैप है, कैप तो पता नहीं मैम लगाएगी कि नहीं, पर ये मेरे पास रखी थी। और ये वाली ड्रेस है इसकी, रेड कलर की पजामा, एंड जो इसने एनुअल फंक्शन में पहना था, तो रेड कलर की ही ड्रेस पहनी है। तो बस ये यूज़ हो जाएगी आज, है ना अक्षी? और अक्षी सुबह सुबह उठना बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता है। और मैं उठ गई थी आज जल्दी 5:30 के करीब, आँख खुल गई थी तो फिर मैं सोई नहीं। वैसे मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था। बस चलिए हम लोग इसको जल्दी से रेडी कर देते हैं, मेकअप भी करना है और ज़्यादा। मैंने रेडी कर दिया है, इसका मेकअप भी कर दिया है क्योंकि मैम ने बोला था, इसलिए मेकअप कंप्लीट हो गया। आईज और ब्लश भी लगा दिया, लिपस्टिक लगा दी है। अक्षी आप तो गर्ल्स जैसे लग रहे हैं। हाँ अरे बेटा, अब वो तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा डांस में अच्छा लगेगा ना बच्चों को, ठीक है, करना पड़ता है। ओके और यहाँ पे अक्षित लग रहा है बहुत ही क्यूट। मैं बेटू, चल अपने ड्रेस दिखा दे इधर खड़ा हो। ड्रेस को पहना दे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सही करो। कैप लगा लो, और कैप लगा लो, वहीं जाके उतार देना जैकेट को, बैग में रख लेना। ओके मैम जब बोलेंगी ना उतारने के लिए तो तभी उतार के रख देना। और ये सेंटा वाली कैप रखी थी मेरे पास पिछले साल की, तो बस ये लगा दिए। मैम बोलेगी उतारने के तो उतार देना, ठीक है? ओके ओके, बैग में रख दो। हाँ, बैग में। अगर मैम बोल देंगी कि कौन कैप लाया है, हाँ तब लगा लेना। ओके, वैसे मैम देंगी सॉक्स और कैप जो भी है वो मैम ही देंगी आपको। चलो ठंड हो रही है भैया, ना आगरा गए।
कपड़े धोए रात मैंने, पूरी चेयर भरी हुई है क्योंकि काम की वजह से बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, तो ये रात मैंने धो दिए और चद्दर वगैरह मैंने भिगो दी थी। अब इनको धो के रख दिए थे और इस धूप को मैं अब फैलाऊंगी क्योंकि अभी तो धूप नहीं निकली है, तो थोड़ी देर में ही फैलाऊंगी। अभी हो रही है थोड़ी ठंडी, तो अभी डोर बंद कर लेते हैं। कुछ ज्यादा ही ठंड हो गई आजकल। और रानी कभी सो रहा है, बस उठने वाला है वो, किनारे पे आ गया है बिल्कुल से, बीच में था और किनारे पे आ गया। वो सो रहा है, किचन की सफाई कर देती हूँ। अभी बज रहे हैं 7:15 हो रहे हैं और अक्षित को मैंने जल्दी भेजे क्योंकि 8 बजे से पहले ही जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी, उसके लिए बना दिया था परांठा। और बस अब किचन की सफाई करती हूँ, बर्तन पड़े हैं, रात में थक गई थी तो मैंने फिर बर्तन छोड़ दिए थे क्योंकि कपड़े भी धोए थे, खाना बनाया, खाना मैंने पहले ही बना लिया था कपड़े धोने से पहले, तो बाद में मैंने कपड़े धोए थे। और कपड़े मेरे 8:15 बजे मेरे धुल गए थे और बस फिर मैंने खाना बना के रोटी सेकी थी, बाद में बस रोटी रह दी, आटा मैं गूंद के चली गई थी तो रोटी सेकी, फिर बच्चों को खाना खिलाया और उसके बाद मैंने जल्दी सुला दिया था अक्षित को, इसलिए क्योंकि उसे जल्दी उठना था। इसलिए आर्निक तो 12-1 बजे सोया है आर्निक कल, क्योंकि वो शाम को सो गया था लेट, तो इसलिए उसने ना मुझे सोने दिया ना खुद सोया, अक्षित को बस सुला दिया था, उसकी बस टेंशन रहती है। तो चलिए बस हम लोग बर्तन साफ कर लेते हैं। ये मैंने आधे कपड़े फैला दिए और भी चेयर पे रखे हैं और चद्दर मैंने धो दी, मशीन में निचोड़ गई आधी, और कुछ कपड़े इधर फैला दिए। सभी कपड़ों का काम खत्म करती हूँ, बाकी काम हाँ बताओ खुशखबरी। और अक्षित आ गया है यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा जी, वाह। और अक्षित आ गया है और नोज भी रेड कर दिए, देखा ना। ओ मैं तो इतना सुंदर बना के ये वाला गिफ्ट दिया है, वाह। आ जाओ। क्या मिला गिफ्ट में? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं। कैसा करा था डांस आपने? सबकी नोजी रेड कर रखी मैम ने। अच्छा, कौन से गाने पे किया था? अच्छा अच्छा वो एक हिरन है उसकी नोजी रेड होती है, है? अच्छा मैंने देखा था कल, मैम ने भेजी थी आपका एक गाना, उसकी नोजे यहाँ से नोजी रेड हो जाती है। और ये देखो आर्निक, डम 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 डम। भैया को साफ कर दो चलो। ये गिफ्ट किसने दिया बेटा? सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज, अच्छा जी, सेंटा क्लॉज भी आए थे बनके। यहाँ पे बैठो ऊपर ऊपर, फिर सारे अभी साफ किया है मैंने, सब जगह पोछा लगाया, फिर से ऐसे ही कर देते हैं दोनों। पराठा खा रहा है अक्षित और आर्निक, पराठा लेके गया था पर खाया नहीं, अब खाए जा रहा है। बाय करो। ये तो बस इसकी तो बस पूछो ना नहीं। ये बस यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो अक्षित को गिफ्ट मिला है, बच्चों को बहुत अच्छा लगा है, आर्निक को तो बहुत पसंद आया है। आर्निक बोल रहा है कि मुझे बहुत पसंद आया है मम्मी, सुंदर है ये, हम दोनों का है। हम दोनों का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।